दोस्तों आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग साल 2008 में अपनी शुरुआत से लेकर हर साल के साथ नई ऊंचाइयों को छू रही है। आईपीएल वो लीग है जो टैलेंटेड प्लेयर्स को अपना टैलेंट दिखाने का एक मंच देती है। आईपीएल ट्रॉफी पर भी संस्कृत में साफ साफ लिखा हुआ है, यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्तनोति, यानी कि जहां पर प्रतिभा को अवसर मिलता है। आईपीएल हर साल देश दुनिया के युवा खिलाड़ियों को अपने जौहर दिखाने का मौका देता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आईपीएल 2022 में हर टीम से खेलने वाला यंगेस्ट प्लेयर कौन सा है। लेकिन उससे पहले भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। सनराइजर्स हैदराबाद। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की। दोस्तों ये टीम यंगस्टर्स को मौका देने के लिए जानी जाती है, और एक ऐसा यंगस्टर है जिसे 3 साल से अपने टीम में शामिल किए हुए है। वो नाम है दोस्तों अब्दुल समद का। भारत के जम्मू कश्मीर से आने वाले अब्दुल समद को सनराइजर्स हैदराबाद ने साल 2020 के आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था, और तब से ही वो उनके साथ बने हुए हैं। समद एक अटैकिंग बैट्समैन होने के साथ साथ एक लेग ब्रेक बॉलर भी हैं, और उन्होंने अपनी प्रतिभा से वही सभी को प्रभावित किया है। उनका जन्म 28 अक्टूबर 2001 को हुआ था और अभी वो सिर्फ 20 साल के हैं। यानी कि दोस्तों इस यंगस्टर के लिए फ्यूचर काफी ब्राइट है, और आने वाले समय में अब्दुल समद भारत के टॉप ऑलराउंडर्स में अपनी जगह बना सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स इस साल आईपीएल में नई आई है, और इन्होंने अपनी शुरुआती गेम्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। केएल राहुल की कैप्टेंसी लखनऊ को काफी रास आती हुई दिखाई दे रही है। खैर बात करें भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे यंगेस्ट प्लेयर की, तो भाई वो है मयंक यादव। 19 साल का यह प्लेयर न्यू दिल्ली से आता है, और इसने अभी देखिए बहुत ही कम लिस्ट ए गेम्स खेले हैं, लेकिन इस खिलाड़ी की प्रतिभा इसे क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक खींच लाई है। मयंक यादव बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं, और उनका पेस भी काफी अच्छा है, यानी कि वो एक प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं। बस इंतजार है भाई कुछ मौकों और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के गाइडेंस का, और फिर ये प्लेयर भी फ्यूचर का सुपरस्टार बन सकता है। राजस्थान रॉयल्स। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स का दुबई कैप्टन ही काफी यंग है, और उनकी टीम में हमें इस बार यंग प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। बात करें राजस्थान के सबसे युवा प्लेयर की, तो दोस्तों उसे दुबई उन्होंने साल 2020 के आईपीएल ऑक्शन में ही खरीद लिया था। वो प्लेयर है दोस्तों यशस्वी जायसवाल। साल 2020 के आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान इस प्लेयर को 2.4 करोड़ रुपए में खरीदा था। आपको बताना चाहूंगा कि जायसवाल साल 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने वाली इंडियन टीम के कैप्टन थे, और उस टूर्नामेंट में इनकी परफॉर्मेंस सच में गजब की रही थी। इनका जन्म 28 दिसंबर 2001 को हुआ था, और फिलहाल ये सिर्फ 21 साल के हैं। दोस्तों यशस्वी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसे आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि एक समय पर इन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी पूरी भी बेची है। चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स को हमेशा ही सीनियर प्लेयर्स की टीम कहा जाता है, लेकिन इस साल इन्होंने एक बेहतरीन यंगस्टर को शामिल किया है, और वो है महेश टीक्षाना। इन्हें श्रीलंकन क्रिकेट की नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग कहा जा रहा है। टीक्षाना ने अपने स्पिन के जादू से अच्छे अच्छे प्लेयर्स को परेशान किया हुआ है। इनका जन्म 1 अगस्त 2000 को हुआ था, और फिलहाल ये 21 साल के हैं। इन्होंने अपने करियर की पहली बॉल पर विकेट लिया था, और इस मैच में इन्होंने 37 रन देकर 4 विकेट्स लिए थे। सिर्फ 21 साल की उम्र में वो आईपीएल में सिलेक्ट हो चुके हैं, और 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के यंगेस्ट प्लेयर के रूप में खेलने वाले हैं। पंजाब किंग्स। दोस्तों पंजाब किंग्स ने इस बार आईपीएल में बेहतरीन टीम उतारी है, और यही कारण है कि उनकी परफॉर्मेंस पिछले सीजन से बेहतर नजर आ रही है। पंजाब की ओर से यंगेस्ट प्लेयर हैं राजा बावा। भारत के उभरते हुए ऑलराउंडर को द ग्रेट कपिल पाजी से कंपेयर किया जाता है। ये साल 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा रहे थे, और मैन ऑफ द फाइनल का अवार्ड भी इन्हें ही मिला था। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच में राजा बावा ने 34 रन बनाए थे और 5 विकेट्स लिए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब ने 19 साल के युवा खिलाड़ी पर 2 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। आशा करते हैं वो आने वाले समय में अपने प्राइस से भी बढ़कर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स। दोस्तों पिछले कुछ सालों से दिल्ली कैपिटल्स की टीम यंगस्टर्स को काफी प्रमोट कर रही है, और उनका कैप्टन भी तो यंग ही है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की ओर से आईपीएल में यंगेस्ट प्लेयर हैं यश थल। दोस्तों यश का नाम आपने हाल ही में काफी सुना होगा। ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी कैप्टेंसी में भारत ने 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। यश ने आते ही पूरे क्रिकेट जगत में तबाही मचा रखी है, और अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू में ही उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ दोनों ही पारियों में सेंचुरीज लगाई, और 2021-2022 की रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। आपको बता दूं कि दिल्ली ने उन्हें आईपीएल 2022 के ऑक्शन में सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदा है। कोलकाता नाइट राइडर्स।
200 केकेआर वो टीम रही है जिसने पिछले सीजन में शिवम मावी, कमलेश और शुभमन गिल जैसे यंगस्टर्स का मौका दिया है, लेकिन इस बार केकेआर का सबसे यंगेस्ट प्लेयर है अशोक शर्मा। इनका जन्म 17 जून 2002 को हुआ था और फिलहाल वो 19 साल के हैं। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में केकेआर ने इन्हें 55 लाख रुपए में खरीदा है। अशोक शर्मा एक फास्ट बॉलर है और गजब की स्विंग बॉलिंग करते हैं और एज के हिसाब से उनका स्विंग के ऊपर कंट्रोल जबरदस्त है और इसीलिए उन्हें फ्यूचर के इंडियन स्टार के रूप में देखा जा रहा है। अब भाई जब केकेआर ने उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका दिया है तो बंदे में कुछ ना कुछ बड़ी बात तो जरूर होगी, है ना? तो भाइयों इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। साल 2008 में आरसीबी ही वो टीम थी जिसने विराट कोहली का मौका दिया और आज वो क्रिकेट के लेजेंड्स में गिने जाते हैं। इस साल के आईपीएल के लिए आरसीबी का सबसे युवा प्लेयर है दोस्तों अनीश्वर गौतम। ये प्लेयर भी 2022 अंडर 19 टीम का हिस्सा था, हालांकि इन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला था। अनीश्वर एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं और ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं। आरसीबी ने उन्हें 20 लाख रुपए में खरीदा है और आशा है कि वो आरसीबी के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। मुंबई इंडियंस। दोस्तों बात करते हैं 5 times आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस की। ये टीम जिस यंगस्टर को चुनती है ना वो बड़ा बन के निकलता है और इस बार ये मौका मिला है दोस्तों डिवॉल्ड प्रेविस को। जी हाँ, मुंबई इंडियंस के सबसे युवा प्लेयर है दोस्तों साउथ अफ्रीका के बेबी एबी डिवॉल्ड प्रेविस। अंडर 19 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही, लेकिन प्रेविस का खेल देखकर सब उनकी बैटिंग स्टाइल पर फिदा हो गए। प्रेविस ने खुद एबी डिविलियर्स से ट्रेनिंग ली हुई है और उन्हें फ्यूचर का एबी डिविलियर्स कहा जा रहा है। ये अभी सिर्फ 18 साल के हैं और मुंबई इंडियंस ने इनको 3 करोड़ की भारी भरकम रकम में खरीदा है। वैसे ब्रेविस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले भी लेके आ चुके हैं, आपने नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा। गुजरात। दोस्तों आखिर में बात करते हैं गुजरात के राशिद खान और आईपीएल 2022 के सबसे युवा प्लेयर नूर अहमद की। अब भाई देखिए, अफगानिस्तान में से एक से बढ़कर एक शानदार स्पिनर्स आ रहे हैं और नूर अहमद भी उन्हीं में से एक है। उनकी बॉलिंग करने का स्टाइल काफी यूनिक है और साथ ही काफी अनऑर्थोडॉक्स है, यही कारण है कि बैट्समैन उन्हें आसानी से पढ़ नहीं पाते हैं। वैसे आपको बता दूं भाई, आईपीएल से पहले ही नूर अहमद कई सारी टी20 लीग्स में अपना जादू दिखा चुके हैं। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 2005 को और ये फिलहाल सिर्फ 17 साल के हैं। नूर की सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो बॉल को दोनों तरफ से स्पिन करा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर भैया लंबे लंबे शॉट्स भी लगा सकते हैं। नूर अहमद को गुजरात ने 30 लाख रुपए में खरीदा है। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में खेलने वाले आज तक के सबसे युवा प्लेयर थे प्रयास रे बर्मन। साल 2019 के आईपीएल सीजन में आरसीबी ने खरीदा था, लेकिन वो अपने पहले ही मैच में काफी महंगे पड़े थे और इसी कारण उन्हें अगले सीजन रिलीज कर दिया गया और फिर उन्हें ऑक्शन में किसी ने कभी नहीं खरीदा। आईपीएल डेब्यू के समय इनकी उम्र सिर्फ 16 साल और 152 दिन थे। वैसे फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में इनसे भी युवा प्लेयर आईपीएल में अपनी जगह बना सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।